दोस्तों, मैंने काफ़ी टाइम पहले एक मील वॉर्म के ऊपर वीडियो बनाई थी, जिसके अंदर मैंने कुछ मील वॉर्म्स मंगवाए थे और उनकी ब्रीडिंग स्टार्ट की थी। तो मैंने फिर बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सेकंड पार्ट बनाऊंगा और उसमें इसकी प्रोडक्शन को दिखाऊंगा। तो मील वॉर्म को लेके मेरा जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा नहीं रहा, इस करके फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है जल्दी अपलोड नहीं कर सका। मील वॉर्म की प्रोडक्शन तो हुई है मेरे पास, मैंने अप्रोक्सीमेट 300 पीस मील वॉर्म के मंगवाए थे, 500 रुपये मैंने खर्च किए थे, जिसमें से 250 रुपये के 300 पीस मेरे पास पहुंचे थे और 250 रुपये जो है इसका कोरियर चार्ज था, बहुत दूर से आए थे ये मेरे पास। तो उसके बाद मैंने इनका सेटअप लगाया, इनको चोकर के अंदर रखा, जो आटे का चोकर होता है ना उसमें रखते हैं इनको, और इसको पोटैटो देते हैं, पानी वगैरह उससे पूरा करते हैं ये पी के पोटैटो को खा के। तो इनकी प्रोडक्शन ठीक ठाक होती रही, पर बाद में मुझे प्रॉब्लम आई। जब प्रोडक्शन स्टार्ट हुई तो मील वॉर्म का जो ये मील वॉर्म होता है इसका, ये छोटा सा देख रहे मील वॉर्म है, ये तकरीबन एक इंच के साइज़ का होता है, बाद में ये बीटेल में कन्वर्ट हो जाता है ऐसे। तो ये बीटेल बनते गए और बीटेल मरते गए, मील वॉर्म मरते गए। ये देखो, ये मरा हुआ मील वॉर्म है और ये मरा हुआ बीटेल है, ये सारे मरे हुए बीटेल है। तो मील वॉर्म बनते रहे, बीटेल बनते रहे और मील वॉर्म मरते रहे, बस यही सब चलता रहा। 300 पीस के तकरीबन 3000-4000 पीस बन गए थे मेरे पास, पर इस लेवल तक इनकी प्रोडक्शन होती कि मैं अपनी मुर्गियों को या किसी और बर्ड को खिलाता, उस हद तक इसकी प्रोडक्शन नहीं हो सकी। उसके बाद ये अपने आप मरने स्टार्ट हो गए हैं। अभी ये देखो, ये जैसे इसमें ये जिंदा बीटल है इसमें, तो इनके बच्चों से ये लार्वे मील वॉर्म के ये बनते हैं। तो बीटल बहुत ज़्यादा तादाद में मर रहे हैं मेरे पास, तो इनका एक्सपीरियंस जो है बहुत बढ़िया नहीं कह सकता मैं। तो आज मैंने इनका कई दिनों के बाद सेटअप चेक किया, तो मैंने ये इसका बॉक्स बनाया हुआ था, ये जाली टाइप का, ये ऊपर इसके जाली लगाई हुई है, मच्छरों वाली जाली है, और इसके अंदर चोकर वगैरह डाल के मैंने इसका सेटअप बनाया हुआ था। तो इसके अंदर पहले तो मुझे प्रॉब्लम आई, इसमें सुरसरियाँ पैदा हो गई थी, तो सुरसरी का तो मैं चलो चल गया, इतना नहीं मुझे बुरा लगा काम। उसके बाद मैंने आज कई दिनों बाद इस बॉक्स को खोला, तो इसके अंदर ना छोटे 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 कीड़े पैदा हो गए, जैसे मक्खी के कीड़े होते ना, ये देखो, ये मैं अगर कैमरे में फोकस होने की कोशिश करता हूँ, फोकस करने की, ये देखो, ये इस तरह के कीड़े पैदा हो गए, ये देखो, ये देखो। तो ये कीड़े पैदा हो गए, इसके अंदर नमी की जो मात्रा है वो बढ़ गई, बॉक्स के अंदर नमी की मात्रा बढ़ने से जो है इसके अंदर कीड़े पैदा हो गए। तो अब ये सारा सेटअप जो है, मेरा तो मन उब गया इससे, मैं मील वॉर्म का सेटअप जो है वो आगे नहीं कंटिन्यू करूँगा। इसके अंदर जो मील वॉर्म है वो तो मैं अपनी मुर्गियों को खिला दूँगा, क्योंकि इनके बीटेल बनते हैं बाद में मर जाते हैं, उससे तो अच्छा मैं इनको अपनी मुर्गियों को खिला के चेक कर लूँ कि कैसे खाती हैं मुर्गियाँ। उसके बाद जो इसके बीटेल बचेंगे, थोड़े से जिंदा बीटेल हैं, उनको मैं दूसरे सेटअप में डाल दूँगा, अगर उनसे कोई प्रोडक्शन होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। तो अब इसको मैं मील वॉर्म को सेपरेट करने के लिए एक हाथ से कैमरा पकड़ के तो नहीं मैं शूट कर पाऊँगा, इसको मील वॉर्म को मैं अलग कर दूँगा और बीटल को अलग कर दूँगा, और बाकी का जो कबाड़ है वो सारा मैं अलग कर दूँगा। इस कबाड़ को अभी फेंकूँगा नहीं मैं, क्योंकि इसके अंदर जो है मील वॉर्म के जो बच्चे होंगे ना, छोटे माइक्रो होते हैं, वो दिखते नहीं आँखों से, वो भी होंगे, तो इसको एक बारी मैं साइड में रख दूंगा कहीं पे, ताकि इसमें अगर और बच्चे होंगे तो वो निकल जाएंगे। तो इसको मैं अलग करके फिर दोबारा वीडियो शूट करता हूँ। इसको अलग करने के लिए ऐसे इसको अलग करने पड़ेंगे, और फिर इस चिमटी से जो है मैं इनको एक एक करके ऐसे उठा के अलग करूँगा।
किसी बर्तन के अंदर। तो ये वीडियो में तो मैं नहीं शूट कर पाऊँगा, तो इसको अलग करके फिर मैं सारी जो है वीडियो शूट करता हूँ, दिखाता हूँ फिर मैं। लो जी दोस्तों, इसको अलग कर दिया मील वॉर्म को मैंने, और ये काम करते करते सारी रात हो गई है, 2 घंटे लग गए तकरीबन मुझे। तो ये सारे मील वॉर्म हैं जो मैंने अलग कर लिए हैं। और ये सारा कबाड़ है जो इनका वेस्ट बचा हुआ था। अच्छा, एक बात नोट किया मैंने कि बीटल इसके अंदर सिर्फ 2 जिंदा बचे हैं जो मैंने इस बॉक्स में डाल दिए थे। ये रे, बीटल सारे मर गए, बीटल कोई नहीं बचा। ये सारे बीटल जो हैं इसमें ब्लैक ब्लैक जो दिख रहे हैं सब मर गए हैं, जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्शन जो है वो रुक गई थी सारी। और मेरा जो ये सबस्ट्रैक है जिसके अंदर मैंने मील वॉर्म रखे हुए थे, इसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो अनवांटेड जो हैं कीड़े मकोड़े जो हैं वो पैदा हो गए हैं इसमें, जिसकी वजह से ये सेटअप सारा मुझे ख़त्म करना पड़ रहा है। अब इसको जो है ये वाले जो हैं ये तो मैं अब मुर्गियों को डाल दूँगा। अब तो रात हो गई है, सुबह डालूँगा मैं इनको, हो सके तो सुबह इनकी वीडियो शूट कर लूँगा। और ये जो सब्सट्रैक्ट सारा बचा है इसको एक खुले बर्तन में मैं दोबारा डाल दूँगा। इसमें अगर मीलवॉर्म के एग्स वगैरह होंगे तो मीलवॉर्म उससे और जेनरेट हो जाएंगे, फिर उनको अलग कर दूँगा। और तब तक ये सब्सट्रैक्ट भी जो है ओवर मॉइस्चर है इसके अंदर वो सूख जाएगा, तो इतना ये गंदा गंदा सा नहीं लगेगा फिर। तो इसकी बाकी की जो वीडियो है वो सुबह शूट करूँगा, इसको मुर्गियों को खिलाते हुए दिखा दूँगा एक बार वीडियो के अंदर, और फिर ये वीडियो जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा, इसके अंदर मैं आपको सुबह फिर वो RIR वाली मुर्गियाँ भी जो है मेरी थी वो भी दिखा दूँगा, उनकी प्रोग्रेस कैसी चल रही है। तो ये वीडियो अभी यहीं स्टॉप करता हूँ रात को, सुबह फिर एक छोटा सा पार्ट इसके अंदर ऐड करके फिर इसको अपलोड कर दूँगा। दोस्तों, सुबह का टाइम है, तो अब मैंने फैसला किया है कि मैंने जो कल मील वॉर्म अलग करके रखे थे वो अपनी मुर्गियों को डाल दूंगा और ये सेटअप को जो है फिनिश कर दूंगा। तो ये मैंने रात एक बॉक्स में डाल के रख दिए थे, तो इसके अंदर मैंने एक शिमला मिर्च रख दी थी ताकि अगर इनको प्यास वगैरह लगे तो वो इसका पानी पी सकें, खा सकें इसको, और ये खा रहे हैं इसको, ये देखो। और अब इनको मैं मुर्गियों को डाल दूंगा RIR को, और जो मेरा ये स्क्रैप बचा था सारा ये मैंने इस बॉक्स के अंदर डाल दिया था, ये सारा। इसमें अगर कोई छोटे बच्चे वगैरह होंगे मील वॉर्म के या एग्स होंगे तो वो बाद में फिर वॉर्म बन जाएंगे, तो एक आउटपुट शायद इसमें से कुछ थोड़ी बहुत मिल जाए। तो इसको एक अलग से बकेट को संभाल के रख दूँगा मैं, और मील वॉर्म जो है अभी मुर्गियों को डालने जा रहा हूँ। तो ये RIR की मेरी मुर्गियाँ हैं, इनमें आधी मुर्गियाँ निकली हैं और आधे मुर्गे हैं, मेल फीमेल बराबर निकले हैं। इसमें से मैंने मेल जो है वो सेल कर देने हैं, मेल एक या दो रखूँगा, बाकी सारी मुर्गियाँ रखूँगा, क्योंकि एग्स तो मैंने मुर्गियों से ही लेने हैं और मेरे पास जगह कम है, ज़्यादा मेल मैं रख भी नहीं सकता। तो वैसे तो मैं इनको बंद ही रखता हूँ, इनको खोलता नहीं हूँ, पर आज मील वॉर्म की वीडियो शूट करने के लिए इनको अब खोल रहा हूँ। इनका खोलने से थोड़ा रिस्क रहता है कि ये ना यहाँ से छत पर से कूद जाते हैं, यहाँ से अगर ये कूद गए एक बार फिर वहाँ गली में जाके पकड़ना मुश्किल हो जाता है इनको। यहाँ से अगर ये कूद जाए तो गली में जाके इसको पकड़ना मुश्किल हो जाता फिर। नहीं फिर ना ये ज़्यादा जाएंगे उधर, इधर उधर भागेंगे, फिर टाइम ज़्यादा ख़राब होएगा। इसको बर्तन में ही डाल दिया इसलिए। तो दोस्तों, ये थोड़ा रिस्की काम हो गया क्योंकि मैं मुर्गियाँ खोलता नहीं हूँ, आज मुझे मील वॉर्म की वीडियो के लिए खोलनी पड़ रही है। तो
देखते हैं अभी मील वॉर्म का जो है परफॉर्मेंस इनका खाने का कैसा है। क्योंकि मुझे डर है कहीं ये नीचे ना कूद जाए कोई भी मुर्गी, पकड़ के लानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। ये देखो ये खा रही हैं, और जिस स्पीड से ये खा रही हैं 2 मिनट में इन्होंने फिनिश कर देना सारा ही, बहुत शौक से खा रही हैं। अच्छा मील वॉर्म का साइज़ भी ठीक ठाक है, क्योंकि 1 इंच के करीब इसका साइज़ होता है। जो हम मक्खियों वाले वॉर्म बनाते हैं ना खल के अंदर, उनका जो साइज़ होता है वो छोटा होता है काफ़ी, वो तकरीबन 1/4 इंच का साइज़ होता है, और ये 1 इंच का साइज़ है इनका। तो मोटे मोटे वॉर्म हैं, मुर्गियां जो है शौक से खा रही हैं। देखते हैं अभी कितनी देर में ये फिनिश होते हैं। ये तकरीबन 3000 के करीब वॉर्म थे, दिखने में थोड़े से लग रहे थे। ये एक मुट्ठी के अंदर तकरीबन 500 वॉर्म आ जाता है, 3-4 मुट्ठी वॉर्म थे ये सारे वॉर्म खा गए हैं। और लो फिनिश कर दिया जी इन्होंने, प्लेट फिनिश हो गई है। अब मुर्गियों को अंदर करना है, वीडियो को स्टॉप करके मैं मुर्गियों को अंदर कर दूं। ये देखो सारे मील वॉर्म खा गए हैं, ये एक भी मील वॉर्म नहीं बचा। अब मैं वीडियो को स्टॉप करके इनको अंदर करता हूँ। शुक्र है सारी मुर्गियाँ ठीक ठाक अंदर हो गई हैं, कोई भी नीचे कूदी नहीं है। मील वॉर्म खा गए, ज़्यादा परेशान नहीं किया इन्होंने, आराम से अंदर चलेगी। और ये पूरी प्लेट खाली कर दिया है। तो दोस्तों ये थी मेरी मील वॉर्म की वीडियो, जो मैंने मील वॉर्म का एक सेटअप शुरू किया था, और अनफॉर्चुनेटली वो सेटअप जो है मेरा कामयाब नहीं हुआ। कामयाब हो भी जाता अगर उसमें केयर प्रॉपर की जाती, लेकिन मील वॉर्म की आउटपुट स्लो है। 3 महीने के अंदर इसकी आउटपुट स्टार्ट होती है, और हर 3 महीने के साइकिल में इसका जो है सर्कल मतलब डबलिंग होती है। जैसे आपने 300 पीस डाला है, 300 का 3000 हो जाएगा, फिर 3000 का तकरीबन 10 गुना फिर हो जाएगा 30000 6 महीने में। लेकिन वो आउटपुट हम इसकी मिल नहीं पाई जो कैलकुलेशन थी, इस वजह से फिर मैंने ये सेटअप ख़त्म किया है। और ये मेरे जो चिक्स हैं छोटे, ये मैंने खुद हैच करवाए थे, तो ये भी थोड़े कमज़ोर हैं अभी। वैसे तो ये 6 मंथ के हो गए हैं, लेकिन अभी ये दिखने में 3 मंथ के ही लग रहे हैं, क्योंकि ऊपर जो है इनको प्रॉपर डाइट तो मिलती नहीं। इनको गेहूं वगैरह डालते हैं, कोई इनको फीड के ऊपर रखा नहीं हुआ। और ये RIR सारी ठीक ठाक हैं, घूम रही हैं। और ये जो पुराना सेटअप था ये मैंने अभी खाली करा हुआ है, इसमें एक ये खरगोश रखा हुआ है, और ये बजी पैरेट रखे हुए हैं, और ये 2 चिक्स हैं ब्लैक वाले। ये वाले चिक्स जो हैं ये किसी से आए थे मेरे परिवार में से ही, तो उनके चिक्स हैं ये, उनके अमानत है रखी हुई है। और ये एक RIR की मुर्गी जो है ये बीमार है, इसकी आंख जो है फूल गई है, तो इसको हमने अलग कर दिया ताकि इसकी बीमारी जो है किसी और में ना फैले। बाकी ये टोटल RIR की जो मेल है ये सारी मैंने सेल करनी है, तो अगर किसी को चाहिए हो तो वो भी मुझे कॉन्टेक्ट कर सकता है।